हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और मावे की गुजिया। ये हमारा ट्रेडिशनल डिश है जो कि होली, दीपावली या कोई भी तीज त्यौहार हो बनता ही बनता है। चलिए इसे बनाते हैं। हमने लिया है 1/2 kg मैदा, 250 ग्राम सूजी, ये 400 ग्राम चीनी है, 250 ग्राम खोआ, थोड़ी सी काजू है, 8-10 छुहारे हैं और 1/2 सूखी गढ़ी है और इसमें डालने के लिए घी है और थोड़ी सी इलायची है जिसे कूटकर हम डालेंगे। छुहारे के छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसका पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर हो गया है, अब हम नारियल का भी पाउडर बना लेंगे। अब इसे भी हमने पाउडर कर लिया है। सारी इलायचियों को भी बेलन से पीस के पाउडर बना ले रहे हैं। इलायची पाउडर हमारा तैयार हो गया है। आइए अब हम कढ़ाई गरम करते हैं, सूजी को भूनते हैं। हमने सूजी भूनने के लिए मोटी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, इससे हमारा सूजी जलेगा भी नहीं और बढ़िया से भुनेगा। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसमें घी डालेंगे। घी थोड़ा ही डालना है। अब इसमें सूजी डालेंगे। आंच को मीडियम रखना है और इसे भुनना है। अब हल्का ब्राउन दिखने लगा है, ऐसे में थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। सूजी हमारा भून गया है और हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा काजू फ्राई कर लेते हैं। काजू फ्राई हो गया है। कढ़ाई हल्का गर्म है, इसी में हम खोआ को भी गर्म कर लेंगे। ये जैसे ही गर्म होगा पिघलने लगेगा, बस हमें उतना ही इसे फ्राई करना है। ये हमारा गर्म हो गया है। अब इसे भी हम इस सूजी जो हमने सूजी निकाल रखी है इसी में हम डाल देंगे। नारियल और छुहारे को भी इसमें गर्म कर देंगे। हमारा सारा मिक्सचर गर्म हो गया है, गैस बंद कर दिए। अब सब हम मिलाएंगे। इसमें हमने पहले सूजी रखा था, अब खोआ डाल दिए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। हमारी कुटी हुई इलायची है, इसे भी डाल देंगे। ये काजू को हमें थोड़ा सा क्रश कर लेंगे चकला पे। इसे हमने दरदरा क्रश कर लिया है, अब इसे हम डाल देंगे। हमने सारे मिक्सचर डाल दिए हैं, अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे बिल्कुल एक बराबर मिला देंगे। जो भी खोआ का मोटा मोटा टुकड़ा है वो इसमें मैश कर देंगे ताकि वो बढ़िया से इसमें मिक्स हो जाए। ये अभी हल्का गर्म है तो बढ़िया से ये मिक्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, गुजिया का मेन मिक्सचर का ही
रेशियो सही होना चाहिए, क्योंकि इसका रेशियो यदि सही रहेगा तो हमारा गुजिया बहुत ही टेस्टी बनेगा। और देखिए हमने जिस तरह से इसमें सारे सामान मिलाए हैं, ये अच्छी तरह से मिल चुके हैं और ये अभी किचन में पूरा अपने महक को फैलाए हुए हैं और लग रहा है कि हाँ कुछ बन रहा है। इसमें जो हमने काजू फ्राई करके डाले हैं वो हल्का क्रंचीनेस रहेगा और इसका टेक्सचर सॉफ्ट भी हो गया है, बिल्कुल रेडी है इसे भरने के लिए। तो आइए अब हम गुजिए का डो तैयार करते हैं। अब हम मैदे का सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने 1/2 kg जो मैदा ले रखा है इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। और इसे हाथों से बढ़िया से मिलाएंगे। इसमें बचा हुआ घी और डाल देते हैं। हमारे मैदा में इतना मोयन होना चाहिए कि ये हाथ से ऐसे बांधू तो बंध जाए। इसमें अच्छी तरह से मिला लिया हमने घी को, अब पानी डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मैश करना है ताकि बढ़िया से ये मिल जाए। डो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बस मीडियम होना चाहिए ताकि बढ़िया से बेला जा सके। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसे 10 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। अब एक कटोरी में थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इसका इस्तेमाल हम गुजिया का मुंह बंद करने के लिए करेंगे, ये ग्लू का काम करेगा। हम थोड़ा सा इसमें से मैदा लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। हमने लोइयां बना ली है, अब एक लोई लेकर इसे बेलेंगे। ये हमने बिल्कुल पतला सा बेल लिया है, देखिए ये बिल्कुल पतला सा है और ये एक छोटा सा गोल हमने बना लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच भरावन को डालेंगे और इसको अब किनारे से इस ग्लू का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये बढ़िया से चिपक जाए। चारों ओर से लगा देंगे। से आराम से धीरे से इस तरह से एक तरफ से इसे चिपकाते हुए आएंगे। ये देखिए बिल्कुल हमारा बढ़िया से ये चिपक गया है। अब हम इसे किनारे से मोड़ना चालू करेंगे। यहाँ से एक ऐसे मोड़ेंगे, फिर मोड़ेंगे, फिर इस तरह से ये ट्विस्ट करते जाएंगे और ये हमारा बंद होते जाएगा। ये बिना सांचे की गुजिया आप इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपके पास सांचा है तो हम इसे फिर से बेलेंगे, दूसरी लोई लेंगे। अब इसे हम सांचे पे रखेंगे, इस तरह से सांचे पे रखेंगे और ये किनारी देख लेंगे कि ये पूरा बाहर तक आ तो रहा है, यदि अंदर रहेगा तो ये छेद हो सकता है, ये हमारा बाहर है। अब हम इसमें 1 चम्मच गुजिया मसाला डालेंगे और इसे फिर से हम मैदे का जो हमने ग्लू बनाया है उसे लगाएंगे और ये ऊपरी भाग को फिर से धीरे से यहाँ चिपका देंगे। देखिए बिल्कुल ये चिपक गया है, कहीं से ये अब अंदर नहीं है,
और ऊपर वाला साँचा लेके इसको बंद कर दें और यह हम किनारे हटा देंगे। इसे अच्छी तरह प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें सारी गुजिया को तैयार कर लेना है। हमारा सारा गुजिया में मसाला भर गया है, अब हम इसे छानेंगे। कढ़ाई हमने गर्म कर लिया है और अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल चुके हैं। तेल गर्म हो रहा है, अब हम एक गुजिया डाल के देखेंगे हमारा तेल गर्म है या नहीं। तेल गर्म हो गया है, अब हम डालेंगे। एक साइड से सिक गया है, अब दूसरे साइड सबको पलट देंगे। हमने दोनों साइड से इसे पलट दिया है, अब हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसे निकाल लेंगे। ये हमारी गुजिया तैयार हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी गुजिया भी तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा गुजिया तैयार है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।